अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल जावेद फूडी प्लेट की एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नीलम ब्लॉक पायलट स्कूल वाली गली में, और मेरे कप पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो दस्तरखान लगा हुआ है। ये दस्तरखान जो है वो इफ्तारी का है, और ये तमाम जो है डेली रोटी वाले जो हैं दस्तरखान वाले वो इसका एहतमाम कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो है रमज़ान के पहले रोज़े से जो है वो इफ्तार जो है वो लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो है हर रोज़ जो है वो सुबह नाश्ता भी लगाते हैं आम रूटीन के अंदर, दोपहर का खाना और रात का खाना भी देते हैं, और ये फ्री खाना देते हैं। सर, यहाँ पे जो सामान मिलता है माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, जामा शेरी होता है और साथ में चावल होते हैं और चूरे होती हैं, सामान माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलता है। आप जो है वो कब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे पहले रमज़ान से आ रहा हूँ। जो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है इसके हवाले से क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा काम है, नेकी का काम है, हर किसी को ये करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ठीक है जी, सब ठीक चल रहा है, सुबह भी और शाम के भी टाइम दोनों टाइम, अफतारी भी और सहरी भी। तुसी मैनु ये दसो कि जिहड़ा अफतार इत्थे सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया है, तुसी इहदे बारे की कहंदे? असीं तां इहदा काम चला ही रहे, सही है। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इससे मौजूद हैं सदीक अहमद साहब, जो कि डेली रोटी दस्तरखान को चला रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मुझे बताएं कि आपको ये जो दस्तरखान चलाने का ख्याल है कैसे आया? सर, 3-4 साल पहले कोरोना की वजह से जहां हर बंदे के हालात तो बहुत ख़राब हो गए, वहाँ पर 2-3 दोस्तों ने मिलकर एक बहुत ही 20 रोटियों से स्टार्ट करने वाला एक दस्तरखान माशाल्लाह आज इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि एक वक्त में 200 से 300 रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह एक अफराद खा के जाते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह सर, ये बड़ी अच्छी बात है, एक जो है वो सदका जारिया है जो ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। तो सदीक साहब, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे आप लगाते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास अफराद आते हैं वो कितने ज़रूरतमंद होते हैं? सर, ये नीलम ब्लॉक टैंकी स्टाफ एक बालटाउन का इलाका है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा 300 से 400 मजदूर यहाँ पे अक्सर होते हैं, तो सुबह के टाइम आप 10-11 बजे आए आपको सारे मजदूर मिलेंगे, ठीक है। उसमें से सिर्फ चंद ही काम पर जाते हैं, बाकी को तो वहीं पे खड़े रहते हैं सारा दिन, उनकी दिहाड़ी नहीं लगती। ये उनके लिए ही दस्तरखान, बेसिकली मकसद यही था कि उनके लिए रोटी का कोई इस्तेमाल किया जाए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो किसी को भूखा नहीं सलाती, लेकिन 3-4 दोस्तों ने इनके लिए इस्तेमाल का ये ज़रिया बना था। अच्छा सदीक साहब, मुझे अब ये बताएं कि रमज़ान है, रमज़ान में आप सहरी और अफ्तारी दोनों का एहतमाम करेंगे यहाँ पे? माशाल्लाह जी, हमारा ये तीसरा रमज़ान मुबारक है, और तीनों रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का एहतमाम भी होता है और यहाँ पे अफ्तारी का भी अरेंज किया जाता है। सर, अब तो रमज़ान है, तो रमज़ान के अलावा आम दिनों में आप यहाँ पे 3 टाइम में का खाना जो है वो दे रहे हैं, यानी नाश्ता खाना और रात का खाना? माशाल्लाह जी, डेली रोटी के दस्तरखान पर माशाल्लाह तीनों टाइम का खाना मुहैया किया जाता है, इन भाइयों की खिदमत में पेश किया जाता है। सुबह का नाश्ता 6:30 बजे और दोपहर का खाना 1:30 बजे और शाम का खाना 5 बजे अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों के लिए पेश किया जाता है। अच्छा सर, दस्तरखान चलाना और फ्री दस्तरखान चलाना जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इसके अलावा और क्या काम करते हैं? माशाल्लाह, मेरा छोटा सा बिजनेस है, समनाबाद में क्रॉकरी की शॉप है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से 2-3 घंटे मैंने ये वक्फ किए हुए हैं इन भाइयों के लिए, तो वही दिन 2-3 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा अरेंज किया जाता है, भाई ये सर्कल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदीक साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप दस्तरखान जो है वो तो चला रहे हैं, तो इसके अलावा आप और क्या क्या जो है इस तरह के फलाही काम कर रहे हैं? माशाल्लाह, डेली रोटी के दस्तरखान पर जहाँ पे 3 टाइम का खाना मुहैया किया जाता है यहाँ पर, वहाँ पे छोटा मोटा यतीम बच्चियों के लिए हम जहेज पैकेज का भी अरेंज करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ 300 फैमिली है, हर संडे के संडे सुबह 10 बजे हम फ्री स्वीलीला उनको कच्ची सब्जी सब्जियाँ देते हैं। उसके अलावा हमारे छोटे पैमाने पर फ्री रोज़गार स्कीम भी चल रही है, वो छोटा मोटा भाइयों को ज़रूरत हो तो वो हम कारोबार भी करवा कर देते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बेरोज़गारी के दौर के अंदर, ये जो काम जो है वो भी चला कर देते हैं, प्लस हर हफ्ते जो है संडे के संडे 300 फैमिलीज़ को जो है वो कच्ची सब्ज़ी भी फ्राहम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा मेरे देखने वाले जो हजरात हैं,
वो इनके साथ मिलकर तामन कर सकते हैं। इस सिलसिले को जितना हम मिलकर इनके साथ बढ़ा सकते हैं, इसमें दूसरे जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनका ही भला है, उनकी ही फलाह है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا